गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो लेसन था वो चल रहा था द मोस्ट प्रीशियस ज्वेल, कीमती गहना, सेवन्थ क्लास चैप्टर टू, द मोस्ट प्रीशियस ज्वेल कीमती गहना या बहुत अधिक कीमती गहना। ये एक ओल्ड मैन की स्टोरी थी और इसका फर्स्ट पैराग्राफ हमने हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया था। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ मीनिंग्स हैं, हार्ड मीनिंग जिनको आपको लर्न करनी है। तो देखो, विस्पर्ड फुसफुसाना, फुसफुसाना सॉरी विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाए। गोसिप स्प्रेड, गोसिप का मतलब होता है गपशप और स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव या फैलना। गोसिप स्प्रेड, गपशप फैलने। रूमर, आर यू एम ओ यू आर, रूमर का मतलब होता है वाइड या अफवाह। फार एंड वाइड, फार का मतलब होता है दूरी और वाइड का मतलब होता है व्यापक, यानी कि दूर दूर तक। स्टेल, स्टेल का मतलब होता है चुराना। तो ये कुछ हार्ड मीनिंग थी, ये आपको लर्न करनी है। तो देखो, विस्पर फुसफुसाए, गॉसिप स्प्रेड फैलना, गपशप फैलना। गॉसिप का मतलब होता है गपशप और स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। अलग अलग भी कर सकते हो आप, साथ में भी कर सकते हो। रूमर अफवाहें, फार एंड वाइड, फार दूरी, वाइड व्यापक, दूर दूर तक, स्टेल चुराना। ये तो थी आपके कुछ मीनिंग। अब है चैप्टर टू, द मोस्ट प्रीशियस ज्वेल, सबसे अधिक कीमती या कीमती गहना। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने कर लिया था। आज का सेकेंड पैराग्राफ है, देखो। बट इन द विलेज बिलो द माउंटेन टॉप, फर्स्ट लाइन है ऊपर। बट इन द विलेज बिलो द माउंटेन टॉप, जो पहाड़ी है उससे नीचे की तरफ गांव, पहाड़ी के नीचे की तरफ गांव में। बट इन द विलेज बिलो द माउंटेन टॉप, पहाड़ी से नीचे की तरफ गांव में, सम पीपुल विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाए, सम पीपुल कुछ लोग, अबाउट के बारे में, द ओल्ड मैन, सम पीपुल विस्पर्ड अबाउट द ओल्ड मैन, कुछ लोग बूढ़े व्यक्ति के बारे में फुसफुसाए। बट इन द विलेज बिलो द माउंटेन टॉप, पहाड़ी से नीचे की तरफ गांव में, सम पीपुल विस्पर्ड अबाउट द ओल्ड मैन, कुछ लोग बूढ़े व्यक्ति के बारे में फुसफुसाए। गॉसिप स्प्रेड, गपशप फैल गई। गॉसिप स्प्रेड, गपशप फैल गई। दे विल, गॉसिप विल एंड एज द ईयर पास्ड, यानी कि जैसे जैसे वर्ष गुजरे, जो गॉसिप है, गपशप है, वो काफ़ी व्यापक हो गई, फैल गई। द रूमर स्प्रेड, रूमर का यूज होता है अफवाहें, स्प्रेड फैल गए। फार एंड वाइड, दूर और व्यापक, मतलब दूर दूर तक जो अफवाहें हैं वो दूर दूर तक फैल गई। द रूमर स्प्रेड फार एंड वाइड, अफवाहें दूर दूर तक फैल गई। द रूमर स्प्रेड फार एंड वाइड, अफवाहें दूर दूर तक फैल गई। पीपुल सेड द ओल्ड मैन वाज नॉट होली, लोगों ने कहा कि बूढ़ा व्यक्ति सज्जन नहीं है। पीपुल सेड द ओल्ड मैन वाज नॉट होली, लोगों ने कहा कि बूढ़ा व्यक्ति अच्छा या सज्जन नहीं है। रेदर बल्कि, बल्कि दे सेड, वे बोले या वे कहे, ही वाज ए वेल्दी मैन, वह एक धनी व्यक्ति था। वाज, ही वाज ए वेल्दी मैन, वह एक धनी व्यक्ति था। हु हैड मूव्ड टू टॉप ऑफ द हिल साइड, जो पहाड़ी की तरफ गया। हु हैड मूव्ड टू टॉप ऑफ द हिल साइड, जो पहाड़ी की तरफ गया। टू हाइड हिज वेल्थ, अपने धन को छुपाने के लिए। टू हाइड हिज वेल्थ, अपने धन को छुपाने के लिए। फ्रॉम से दोज हु माइट विश, विश का मतलब होता है इच्छा रखना या कामना करना। हु माइट विश टू स्टेल इट, जो व्यक्ति इस धन को चुराने की इच्छा रखते थे, उनसे अपने धन को छुपाने के लिए वह पहाड़ी की तरफ गया। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, मैं रिपीट करता हूँ। बट इन द विलेज बिलो द माउंटेन टॉप, पहाड़ी से नीचे की तरफ गांव में, सम पीपल विस्पर्ड अबाउट द ओल्ड मैन, कुछ लोग बूढ़े व्यक्ति के बारे में फुसफुसाने लगे। गॉसिप स्प्रेड, गपशप फैल गई। दे वे गॉसिप विल एंड एज द ईयर
पास और जैसे जैसे वर्ष गुजरे गपशप और अधिक फैल गई। यहाँ से होगा गॉसिप स्प्रेड द वे गॉसिप विद हैं एज द ईयर पास और जैसे जैसे वर्ष गुजरे गपशप तो है और अधिक फैल गई। द रूमर स्प्रेड फार एंड वाइड दूर दूर तक अफवाहें फैल गई। द रूमर स्प्रेड फार एंड वाइड दूर दूर तक अफवाहें फैल गई। पीपुल सेड द ओल्ड मैन वाज नॉट होली लोगों ने कहा कि बूढ़ा व्यक्ति सज्जन नहीं है। रेदर बल्कि दे सेड वे कहे ही वाज ए वेल्दी मैन वह एक धनी व्यक्ति था। हू हैड मूव्ड टू टॉप ऑफ द हिल साइड जो पहाड़ी की तरफ गया टू हाइड हिज वेल्थ अपने धन को छुपाने के लिए फ्रॉम दोज उनसे हू माइट विश टू स्टेल जो इसे चुराने की इच्छा रखते थे या जो इसे चुराने की कामना करते थे। मीनिंग को देखिए एक बार विस्पर फुसफुसाए गॉसिप स्प्रेड गपशप फैलना। मीनिंग हिंदी ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मीनिंग के साथ इसका हिंदी जो अर्थ है वो आना कंपलसरी है। रूमर्स अफवाहें फार एंड वाइड दूर दूर तक दूरी या व्यापक स्टेल चुराना। सेकेंड चैप्टर चल रहा था अपना जब ऑस्पिशियस वे और उसका सेकेंड पैराग्राफ का तो एक बार रिपीट कर देता हूँ हिंदी ट्रांसलेशन। बट इन द विलेज बिलो द माउंटेन टॉप पहाड़ी से नीचे की तरफ गांव में सम पीपुल विस्पर्ड अबाउट द ओल्ड मैन कुछ लोग बूढ़े आदमी के बारे में फुसफुसा रहे थे। गॉसिप स्प्रेड द वे गॉसिप विल एंड एज द ईयर पास और जैसे जैसे वर्ष गुजरे जैसे जैसे वर्ष गुजरे गपशप और अधिक फैल गई। द रूमर स्प्रेड फार एंड वाइड द रूमर स्प्रेड फार एंड वाइड जो अफवाहें हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैल गई या गाउन ने जो अपना आकार है वो बढ़ा दिया। पीपुल सेड द ओल्ड मैन वाज नॉट होली पीपुल सेड द ओल्ड मैन वाज नॉट होली लोगों ने कहा कि बूढ़ा व्यक्ति सज्जन नहीं है। रेदर बल्कि दे सेड वे कहे ही वाज ए वेल्दी मैन वह एक धनी व्यक्ति था। ही वाज ए वेल्दी मैन वह एक धनी व्यक्ति था। हु हैड मूव्ड टू टॉप ऑफ द हिल साइड जो पहाड़ी की तरफ गया टू हाइड हिज वेल्थ अपने धन को छुपाने के लिए टू हाइड हिज वेल्थ अपने धन को छुपाने के लिए फ्रॉम दोज उनसे हु माइट विश टू स्टील इट जो इसे चुराने की कामना करते थे। आपको ट्रांसलेशन लर्न करना है और साथ में मीनिंग। थैंक यू।